आज हम लोग कुछ हटके कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग मूवीज एंड मेकअप, स्पेसिफिकली संदीप रेड्डी वांगा मूवीज, उनके फीमेल लीड कैरेक्टर्स। वन थिंग विच इज कॉमन इन ऑल ऑफ दिस फीमेल लीड्स दैट हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन स्क्रीन। मेकअप लुक्स सो नेचुरल, ऐसा लगता ही नहीं कि उन्होंने मेकअप पहन के रखा हुआ है। इवन वेन दे आर शोइंग सम डीप इमोशंस ऑन स्क्रीन, दे हैव फ्लॉलेस नेचुरल स्किन। आई हैव अनिराइक डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन, एक्ने, एक्ने मार्क्स। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑल दैट, आई एम गोना शो यू हाउ आई अचीव दिस ऑन स्क्रीन हीरोइन नेचुरल मेकअप लुक। बस स्टेप बाय स्टेप आप लोग सब देखते जाओ। स्किन की प्रेपिंग हो चुकी है। जब भी मेकअप के बारे में बात किया, मैंने स्किन केयर के बारे में बात किया कि इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑलवेज डू अ स्किन केयर अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंसर्न्स एंड स्किन टाइप। आप लोग देख सकते हो आई हैव एक्ने मार्क्स एंड एक्ने ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माई फेस। ठीक है, राइट साइड में भी कुछ एक्ने मार्क्स हैं और चिन में यहाँ पे एक एक्ने मार्क अभी हो गया है। 3 दिन पहले ही एक्ने बस्ट हुआ था। सो डेफिनेटली इफ आई वॉन्ट टू अचीव स्किन लाइक लुक, आई नीड टू कवर ऑल ऑफ दीज एंड दैट इज वॉट आई एम गोना डू। बट हम कुछ ऐसी ट्रिक्स अपनाएंगे कि लगेगा ही नहीं कि मैंने मेकअप पहन के रखा हुआ है। सो आई एम यूजिंग प्राइमर राइट नाउ ऑन माई फेस। दिस इज अ ब्लरिंग प्राइमर। व्हाट आई रियली वांट दिस प्राइमर टू डू इज मैटिफाई माई टी जोन एरिया, बिकॉज आई हैव एक्सट्रीमली ऑयली टी जोन एंड आई डोंट वांट कि मेकअप मेरा ब्रेक होना शुरू हो जाए। अगर आपका पूरा फेस ही ऑयली है, देन यू कैन अप्लाई दिस ऑल ओवर योर फेस। इफ यू आर ड्राई स्किन, यू कैन अवॉइड दिस स्टेप। नेक्स्ट थिंग दैट आई एम डूइंग इज कलर करेक्टिंग अराउंड माई लिप्स। यहाँ जहाँ एक्ने हुआ था एंड राइट हियर अंडर माई आईज एज वेल। आज तो मैं वाई एम आई डूइंग दिस, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू कैंसल आउट डार्कनेस ऑन माई फेस। मैं चाहती हूँ मेरा जो बेस होना वो वन टोन का ही लगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा अंडर आईज हाईलाइटेड लगे या मेरा फेस अलग से डार्क लगे। लिप्स के आसपास यहाँ जो पिगमेंटेशन है वो पीक थ्रू हो मेकअप के थ्रू। आई एम स्टार्टिंग टू ब्लेंड दिस, आई एम यूजिंग अ सिंथेटिक ब्रश टू डू दैट। ठीक है, ज़्यादा फैलाना नहीं हमको या इसकी इंटेंसिटी कम नहीं करनी है। बहुत अच्छी ट्रिक मैं आज आपको बताने वाली हूँ कलर करेक्शन करने के बाद, जब कर सकते हो, ताकि जो आपका कलर करेक्शन आपने जो किया है ना फाउंडेशन के साथ मिक्स होके ऑरेंज ही ना दिखना लगे। इफ़ यू थिंक हीरोइंस डोंट डू कलर करेक्शन देन यू आर रॉन्ग। नॉट ऑल हीरोइंस नीड कलर करेक्शन, बट जिनका डीपर स्किन टोन है, जिनको अंडरआई डार्क सर्कल्स है, पिगमेंटेशन है, दे डेफिनेटली डू कलर करेक्शन। इनफैक्ट सोनम कपूर ने भी कलर करेक्शन के बारे में बात किया है। द ट्रिक हियर इज दैट आफ्टर यू हैव कलर करेक्टेड योर फेस, यू कैन यूज योर सेटिंग स्प्रे टू सेट योर फेस। This is also gonna act as a second coat of primer on your face. I'm just gonna fan my face like that. Then let it settle on your skin. बस 2 मिनट का टाइम दे दो, ये अच्छे से सेटल हो जाएगा आपके फेस पे। And it's time to use concealer. I'm gonna be using this under my eyes. ठीक है, inner corner, outer corner, my T-zone area, around my nose, जहाँ acne हुआ है वहाँ पे, और जहाँ acne mark है वहाँ पे, around my lips. And then moving on to foundation. So you want to pick a foundation that matches to your skin tone perfectly and it does not oxidize. मैं directly अपने face पे apply कर रही हूँ। आप dot dot करके भी apply कर सकते हो। And if you think this much foundation will be enough, no. We really need a flawless base. I'm going to be using a brush first to blend it and then sponge to make it look flawless, almost skin-like. कैसे? अभी बताती हूँ आपको. So first, using the brush, I will start patting it, the foundation into my skin. Look at that. Where is my acne? Where is my acne marks? Everything is gone. And this side as well. So I'm not dragging it, क्योंकि अगर drag करूँगी तो streak marks रह सकते हैं. I'm just patting it right now. My T-zone and my forehead. Like that. Not to forget the neck area as well. Now I'm gonna use my beauty sponge and just dab it into my skin, this product. Furthermore, this is also gonna make sure there is no streak marks on my face. और एक ही की जगह पे बार बार नहीं मारूंगी क्योंकि फिर it will start picking up product. But I will just make sure कि I'm covering my entire face, my forehead as well. Now using my concealer brush, I will start blending this concealer into my skin, going with the dab motion. Concealer ऐसे छोड़ देते हो वो अच्छे से सेट भी हो जाता है, कवरेज अच्छा देता है. स्पेशली दिस कंसीलर दैट आई यूज्ड, आई एम गोना गो ओवर माई आईलिड. यूजली आई लाइक टू अवॉइड डूइंग दिस स्टेप फॉर माई एवरीडे लुक्स, बट अगेन संदीप रेड्डी वांगा हीरोइंस हैव फ्लॉलेस स्किन, इवन देयर आईलिड इज मैचिंग विद देयर स्किन टोन. So we need to do that. Now look at my skin. It looks flawless. अभी मैं face को set नहीं करूँगी, मैं cream blush apply करूँगी to give that flush of color within glow जो heroine को आता है ना, वो हल्का सा ऐसे tint या cream blush से ही आता है. And you wanna pick a color which is not on the deeper side. Pick a color which is on the rosier side. So this is called vintage rose that I'm applying. So मैंने यहाँ cheeks पे apply किया पहले and then I drag that यहाँ.
हल्का सा नोज पे अप्लाई कर रही हूँ, मैं चिन पे अप्लाई नहीं करूंगी, यूजुअली मैं चिन पे अप्लाई करना पसंद करती हूँ. एंड देन यूजिंग अ ब्लश ब्रश आई विल जस्ट पैट इट मोर इन टू माई स्किन लाइक दैट. यहाँ हेयरलाइन की तरफ थोड़ा सा लेके जा रही हूँ मैं. एंड वी आर डन ऑन द नोज एज वेल. अभी ब्लश ज्यादा लग रहा होगा बट ये कम हो जाएगा. नाउ यूजिंग माई कंसीलर ब्रश ब्लेंडिंग द एजेस ऑफ दिस ब्लश फर्दर मोर ताकि मैं इसको और डिफ्यूज कर सकूँ. ऐसा लगना चाहिए कि मुझे शर्म आ रही है या फिर मैं गुस्सा हूँ, जैसे कैरेक्टर होते ना मूवी में, जैसे डिफरेंट डिफरेंट इमोशन दिखाते ना, शो करते कैरेक्टर्स. मुझे जैसे शर्म आती है तो ऑल द ब्लड रशेस टू योर चीक्स, या फिर गुस्सा होते तो ऑल द ब्लड रशेस टू योर चीक्स. सो दैट इज वी वॉन्ट टू शो. इट्स टाइम टू सेट इट. सो मैं अपने सेटिंग ब्रश पे मेरा अपना सेटिंग पाउडर लूंगी पहले, टैपिंग ऑफ द एक्सेस. एंड आई विल स्टार्ट सेटिंग माई अंडर आई फर्स्ट. बिफोर आई सेट इट आई विल जस्ट प्रेस थ्रू माई अंडर आईज वंस, ओके, like that, and look up and set. ऐसे में you will avoid all the creasing and एक flawless सा under eye आपको मिलेगा. Can you see? Again look up, keep on pressing with the concealer brush, use your setting powder and then set by looking up. We're gonna do the exact same thing for over the eyelid as well. And now I'm gonna take powder and not set my cheeks but rest of my face, around my nose, around my lips, under this blush line right here, my forehead. और मैं ब्लश को ब्लश कलर से ही सेट करूंगी. डस्टी रोज कलर का ब्लश शेड लिया है, टैपिंग ऑफ द एक्सेस. एंड आई एम जस्ट गोना पैट इट कपल ऑफ टाइम्स लाइक दैट, ऊपर ऊपर से. वी डोंट वॉन्ट टू ओवर डू द ब्लश. ठीक है, आप लोग देख रहे हो मैं यहाँ नहीं जा रही हूँ बिकॉज यू आर कीपिंग द फोकस राइट हियर. एंड हल्का सा ऑन दी नोज एरिया. नॉट गोना अप्लाई टू मच हाईलाइटर ऑन माई फेस. एंड आई फील लाइक कि इन कैरेक्टर्स ने भी हाईलाइटर नहीं अप्लाई किया था, बट लुकिंग एट दिस पिक्चर ऑफ कियारा अडवाणी इन द मूवी कबीर सिंह, आई फेल्ट लाइक कि इधर इट वॉज हर स्किन विच वॉज ग्लोइंग विद इन, और इट वॉज द एडिटिंग, और इट वॉज द सन, समथिंग वॉज अप एंड शी वॉज ग्लोइंग एंड लुकिंग सो प्रिटी. वो ग्लो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे. एंड फॉर दैट आई वॉन्ट टू एड लिटिल बिट ऑफ ग्लो ऑन द हाइस्ट पॉइंट ऑफ माई फेस राइट देयर. Not too much, right here as well. Not too much. Our base is done. I'm gonna set my entire face using my setting spray, and I'm gonna fan my face. स्पॉन्ज की मदद से जस्ट डैबिंग दिस सेटिंग स्प्रे इन टू माई स्किन. और जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड लग रहा है ना फेस, वहाँ वहाँ पे अच्छे से डैब कर रही हूँ. ठीक है, एक्सेप्ट दिस चीक एरिया बिकॉज आई रियली वॉन्ट दिस एरिया टू बी ग्लोई. एंड दिस सेटिंग स्प्रे इज गोना हेल्प मी अचीव दैट. एंड आईलिड के ऊपर भी, बिकॉज आप लोग देख सकते हो क्रीसिंग आना शुरू हो गया. एंड एनी वे आई हैव एक्सट्रीमली ऑयली आईलिड तो क्रीसिंग आ ही जाती है. आईब्रोज को नेचुरल दिखाने के लिए मैं पहले आईब्रो मस्कारा का यूज करूंगी. एंड आई एम गोना कॉम्ब देम इन द अपर स्ट्रोक लाइक दैट. व्हेनेवर यू आर डूइंग लाइक अ स्किन लाइक और क्लीन गर्ल नो मेकअप मेकअप लुक्स, यू नो इट्स ऑल अबाउट एनहेंसिंग योर बेस्ट फीचर्स. अगर मैं रोल प्ले कर रही होती इन तीनों में से कोई भी, तो मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट को जरूर बोलती कि मेरे आईब्रोज को अच्छे से एनहेंस करो एंड ऑल्सो माई लिप्स. That will really help with my character. And now using my eyebrow pencil, I'm gonna fill up the sparse area of my eyebrows. So यहाँ यहाँ पहले fill कर रही हूँ मैं. बहुत ही हल्के हाथों से पकड़ के रखा है मैंने eyebrow pencil. And then I'm gonna look down. And यहाँ पर the exact same thing right here as well. मेरे दोनों eyebrows एक जैसे नहीं दिखते, मुझे पता है. It's okay, you have to make sure your eyebrows are looking like sisters. One final thing that I'm gonna do is comb through my eyebrows once again to blend everything in and making sure there is no harsh line. यहाँ पे line दिख रही है, I'm gonna blend it further more क्योंकि heroine की natural look में lines थोड़ी दिखेंगी. वो तो ऐसे ही फ्लॉलेस है. एंड नाउ आई एम गोना कर्ल माय आईलैशेस. ठीक है, यूजिंग आईलैश कलर. कर्लिंग योर आईलैशेस जस्ट मेक्स सच अ ह्यूज डिफरेंस. एंड गोइंग टू अप्लाई वाटरप्रूफ मस्कारा, बट आई एम गोना मेक श्योर कि ऐसा अप्लाई करूं मस्कारा कि लगना ही नहीं चाहिए कि मस्कारा अप्लाई किया है. सो आई एम गोना कोट माय आईलैशेस कपल ऑफ टाइम्स. यूजुअली मैं ऐसे ऐसे करके जाती हूँ, आप लोग देख रहे हो अभी, मैं बस हल्के हल्के स्ट्रोक में ताकि बिल्कुल भी क्लमजी ना हो मेरे आईलैशेस on this side as well. And definitely use waterproof mascara for this look. Again, don't wiggle through your eyelashes. Halka halka stroke deke ek ek eyelashes ko cover kar lo. And I always like to direct my eyelashes, jaise yahan pe upar kar diya, yahan pe outside ki taraf kar diya. Applying it on the lower lashes as well. Again, making sure ki main apne lash band ko touch nahi kar rahi hu, lower lash band ko. बस सिर्फ ऊपर ऊपर मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ. इट जस्ट दैट यू आर कोटिंग योर आईलैशेस मेकिंग देम लुक डीपर, क्योंकि अभी कंसीलर प्रोडक्ट वगैरह लगाने के बाद वो गायब से हो गए, वो दिख नहीं रहा.
तो यू वांट टू शो देम बैक कि नहीं आई हैव लोअर लैशेज एज वेल, बट यू ऑल्सो वांट टू शो कि आपने मस्कारा अप्लाई नहीं किया है, जस्ट योर नेचुरल लैशेज आपके ऐसे दिखते हैं हमेशा भरे भरे. वन ट्रिक दैट आई लव टू डू इज यूज अ आई शैडो दैट मैचेस टू योर स्किन टोन रियली रियली वेल एंड देन अप्लाई दैट ऑल ओवर योर आईलिड. दिस इज द लास्ट स्टेप दैट आई डिड आफ्टर फिनिशिंग द मस्कारा ऑल्सो, ताकि मैटिफाई रहे मेरा आईलिड अच्छे से. ठीक है, मैं आउटर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर दिया. लिपस्टिक का यू वांट टू शो माय लिप्स बट बेटर लिप्स. तो सबसे पहले मैं आउटलाइन कर रही हूँ ब्राउन लिप लाइनर से. आई हैव पिगमेंटेड लिप्स इसलिए मैं ये स्टेप कर रही हूँ. अगर आपके पिगमेंटेड लिप्स नहीं है तो यू कैन स्किप दिस स्टेप. आई एम नॉट प्रिसाइसली आउटलाइनिंग इट, आई एम जस्ट रफली डूइंग दैट टू एड सम कलर एक्चुअली, क्योंकि नेचुरली आपके लिप्स का शेप एकदम परफेक्ट नहीं दिखेगा. एंड देन आई एम गोना यूज दिस लिपस्टिक का कलर विच इज कॉल्ड रोज गुल्ला. एक न्यूड रोजी पिंक कलर अप्लाई किया है बेसिकली एंड एम जस्ट गोना स्मज इट ऑल ओवर माई लिप्स. वी आर डन विद द मेकअप लुक. लास्ट थिंग जो रह गया है मिनिमल ज्वेलरी मिनिमल एसेसरी, बिकॉज द फोकस ऑफ दिस कैरेक्टर हैज टू बी ऑन हर फेस ऑन हर एक्सप्रेशन व्हाट शी इज डूइंग हाउ शी इज डूइंग एवरीथिंग. फोकस ज्वेलरी पे जाना नहीं चाहिए. सो दैट्स आई एम वेयरिंग दिस मिनिमल हुप्स एंड विद दैट आई कंप्लीटेड दिस लुक. सो या दिस वॉज द लुक फॉर टुडे. आप लोग देख सकते हो बेस लुक्स फ्लॉलेस स्किन लाइक, इट इज सिंपल अचीवेबल नेचुरल लुक लग रहा है मेरा. दैट इज वॉट संदीप रेड्डी रियली वॉन्टेड विद ऑल ऑफ दिस हीरोइन की वो नेचुरल लगे. एंड एवरीथिंग दैट आई एम फिल्मिंग टुडे इज फिल्म्ड ऑन नेचुरल लाइट. कुछ क्लिप्स मैं स्टूडियो लाइट के भी इंक्लूड करूंगी टू शो यू द मेकअप एट हाउ इट लुक्स. सो या दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे. आई रियली होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम टुडेज वीडियो. आई डोंट वॉन्ट टू मेक दिस कॉन्सेप्ट अ सीरीज ऑन माई चैनल, बट अभी नाम कुछ सोचा नहीं. अगर आपके पास कुछ नाम है तो मुझे बता दो कॉमेंट सेक्शन में. जाने से पहले लाइक कर देना इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई एम गोना सी गाइस pretty soon with a brand new content on my channel. Bye everyone, take care.